देश को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है। हमारे बैंक में केंद्र सरकार द्वारा अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक, यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फोम्स, साथ ही इंडिया सर्कस के होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला LIC कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर। हमारे बैंक में केंद्र सरकार द्वारा जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि आज से शुरू होगी, 6 तारीख तक रहेगा। इस जागरूकता सप्ताह के दौरान बीइंग ए पब्लिक सेक्टर एंटिटी, हमें हमारे समाज में, हमारे कस्टमर्स के बीच में, हमसे मिलने वालों के बीच में एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कि हमें भ्रष्टाचार को इस देश की जड़ों से निकाल के फेंकना है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो देश की प्रगति, किसी भी संस्थान की प्रगति, किसी भी समाज की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करता है और अच्छे काम करने वालों को उत्साहित करता है। तो आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ना तो हम भ्रष्टाचार करेंगे, ना हम किसी को करने देंगे, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ छान लेंगे तो हमारे द्वारा किए गए कार्यों से हमारा समाज, हमारी संस्था और अल्टीमेटली हमारा देश प्रभावित होता है, और हमारे द्वारा किए गए कार्य से देश में, समाज में अगर अच्छाई फैलती है तो हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर आगे मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें दूसरे लोगों को भी इस अभियान में जोड़ना चाहिए। तो साथियों, हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि ना कि सिर्फ इस सप्ताह के दौरान बल्कि आगे आने वाले समय में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, बुलंद करेंगे, और ये संकल्प लेते हैं ना तो हम भ्रष्टाचार करेंगे और ना भ्रष्टाचार करने देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। भारत सरकार के निर्देशानुसार बैंक ऑफ बड़ौदा का क्षेत्रीय कार्यालय एवं अजमेर क्षेत्र की सभी शाखाएं 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रही हैं, और इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह में हम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमने आज एक सतर्कता जागरूकता रैली निकाली, जिसमें अजमेर के नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही हमने आज हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की सभी को शपथ दिलाई कि वे बिना भ्रष्टाचार के सारा कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बाधा है। जब तक हम भ्रष्टाचार नहीं मिटाएंगे, तब तक देश की तरक्की में अड़चनें आती रहेंगी। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ना किसी से भ्रष्टाचार करें, ना किसी को भ्रष्टाचार करने दें, और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं, जिससे भारत और हमारे नई पीढ़ी उन्नति की तरफ आगे बढ़ सके। धन्यवाद।